चेयरमैन सर, एक बहुत गंभीर विषय पर मैं आज आपकी बात अनुमति से हमारे बुजुर्ग जो है जो सेवानिवृत्त हुए उनके लिए सरकार ने ईपीएस 95 करके स्कीम लॉन्च की थी। अब वो ईपीएस 95 के तहत उनको पेंशन मिलती थी। उस वक्त मर्यादा रखी गई, जिसकी तनख्वाह 5,000 होगी उसको 416 रुपये मिलते थे। बाद में वो मर्यादा थोड़ी बढ़ाई तो 6,500 के लिए 541 पेंशन मिलने लगी। सितंबर 2000 में 15,000 तक बेसिक पे की मर्यादा बढ़ाई तो 1250 पेंशन। आप सोचें इस आज के जमाने में उस 1250 पेंशन में क्या होगा। तो 2013 में एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी में कोश्यारी जी साहब चेयरमैन थे, हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, उन्होंने सिफारिश कर दी कम से कम रुपये 3,000 और डीए पेंशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 रुपया हो। फिर भी 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उसका अमल नहीं हुआ। दरमियान ये सारे पेंशनर्स लोग कोर्ट में गए। सब चेयरमैन सर कोर्ट में, बहुत सारे राज्यों के कोर्ट ने इनको मान्यता दी दी। किसी ने कहा हायर पे पर भी पेंशन दे दिए तो लोगों को 22-30 हज़ार पेंशन मिलने लगी, लेकिन ईपीएफओ उन्होंने उसका अमल नहीं किया। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, कर्मचारी का उतना और कंपनी का उतना, उससे उसको भी किसी ने समर्थन नहीं किया, ईपीएफओ ने विरोध कर दिया। 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन पाने के लिए जो मूल वेतन की मर्यादा थी उसको निकाल कर सभी को पेंशन दे दे ऐसा निर्णय दे दिया। दुर्भाग्यवश आज तक उस निर्णय का अमल नहीं हो रहा है सर। आज ईपीएस पेंशन के फंड में 2,77,000 करोड़ रुपए जमा है सर, इतनी राशि है, और अनक्लेम राशि तो 25,000 करोड़ के ऊपर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इससे अवगत है कि ये बड़ा दुर्भाग्य कि करोड़ों लोग उसके लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं 1,200-2,000-3,000 रुपये पेंशन मिलने के लिए। तो करीबन आज अभी एग्जाम्प्टेड लोग 84 लाख है और दोनों मिलकर 1,71,00,000 लोग हैं। इस उम्र में स्वास्थ्य के विषय बहुत होते हैं और महंगाई भी बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, ये सरकार जो अच्छे कदम उठाती है, ऐसे कहती है कदम उठा रही है, इन बुजुर्गों के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। ये विषय बहुत सालों से प्रलंबित है। हमारी हेमा मालिनी जी आज नहीं, उन्होंने भी ये विषय लेकर प्रधानमंत्री तक गई थी। जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय करो और बुजुर्गों को न्याय दो। उनको मिनिमम 2016 की सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन कही है उतनी पेंशन तुरंत लागू करो। श्री सुब्रत पाठक जी।